दोस्तों लूडो रिंग खेलने के लिए हमें क्या करना है, मैं एक प्लेयर के माध्यम से बता रहा हूँ कि किस तरह से लूडो रिंग गेम खेला जाएगा। सबसे पहले ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के बेस पे हमने 1 2 3 4 5 6 छह गोट यहाँ पे रख दी। स्टार्ट वाली पोजीशन पे दो ऐसी रख दी जो रिंग वाली हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और दो, ये हर प्लेयर के पास 8 गोट ही रहेंगी। अब हमें सिंपल रूल क्या है कि छः वाले से 5, फिर 4 3 2 1 ऐसे आए ट्रायंगल में, तो छः वाली रो से 5 वाली रो भरनी है कंप्लीट। जब वो कंप्लीट भर जाएगी फिर उन 5 से भरनी है 4 वाली, और फिर जब वो 4 वाली भर जाएंगी उनसे भरनी है 3 वाली, फिर वो 3 वाली भर जाएंगी उनसे भरनी है 2 वाली, फिर उन 2 वाली से एक गोट ऊपर पहुँचेगी। तो वो होगा किस तरह से, फिर बाप तो वो होगा किस तरह से वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमने डाइस डाली, हमें 5 आ गया, हमने 5 ऊपर चल दी, फिर मान लो दोबारा डाइस डाली फिर 5 आ गया, फिर दोबारा डाइस फेंकी फिर 5 आ गया। तो अब जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी, 6 से 5 वाली भरनी है ना पहले हमें, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तभी 4 वाली में मूव करेंगे। तो जब 5 वाली हमारी ऊपर पहुंच गई तो अब दोबारा फिर 5 आ गया, तो अब बाहर वाली चलेगी रिंग में, जो लूडो का रिंग है ना ये, तो यहाँ पे 5 चलेगी, 1 2 3 4 5 ठीक है। अब मान लो फिर दोबारा उसने डाला फिर 5 आ गया, तो अभी भी ये वाली रो से हम ऊपर नहीं चल सकते क्योंकि हमें 6 वाली से 5 वाली भरनी है, पहले 5 वाली फुल करनी है, तो अभी भी फिर 5 बाहर वाली चलेगी। अब मान लो उसने डाला और फिर आ गया 1, तो अब 1 को चलने के लिए जगह है तो 1 को हम यहाँ चलेंगे क्योंकि हमें तो 6 वाली गोट से 5 भरनी है। अब मान लो ऐसे होते होते ये भर गया, 6 रह गई हमारी नीचे। अब हम इन्हें सिक्वेंस में लगा सकते हैं क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं है, जैसे कि 3 4 इसे 2 को यहाँ रख लो, इससे एक लाइन में हम अदला बदली कर सकते हैं। सिक्वेंस में लगानी है बेसिकली, जिससे कि क्लैरिटी रहे गेम में। तो अब हमें ये 5 वाली, 6 से हमने 5 वाली भर दी, अब हर स्टेप में एक गोट नीचे रह जाएगी, वो तो स्वाभाविक है क्योंकि 6 से 5 को भरेंगे तो एक नीचे रह ही जानी है। अब हमें 4 वाली से 3 मतलब 5 वाली से 4 वाली रो भरनी है, तो अब मान लो 3 आ गया तो 3 वाली गोट को चल देंगे। अब मान लो दोबारा घुमाया 1 तो 1 वाली चल देंगे। अब मान लो फिर दोबारा आ गया 3 तो 3 हमने पहले से चली हुई है, तो अब बाहर वाली गोट को चलेंगे, 1 2 3 अब ये यहाँ आ जाएगी। अब मान लो फिर उसने घुमाया 6 आ गया, और 6 हमारी बेस पे ही लगी हुई है यहाँ पे, तो इसको अब मूव नहीं करना है, अब हमें इन 5 वाली से ही 4 वाली ट्रैक भरना है, 5 को ही 4 वाले रो में ले जाना है। तो अब 6 आ गया तो अब भी बाहर वाली चलेगी, 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ आ गई। और हाँ, ये मैंडेटरी है कि पहले न्यूमरिक गोट ही चलेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी अब 3 आ गई, नहीं 3 नहीं, मान लो अब हमारी 4 आ गया, मान लो अब हम इस वाली रो से 5 वाली से 4 वाली को भर रहे हैं और आ गया हमारा 4, तो 4 हमें चलने के लिए जगह है, हम 4 को पहले न्यूमरिक गोट चलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम बाहर वाली गोट को चल दें 1 2 3 4, पहले न्यूमरिक गोट ही चलनी पड़ेगी जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब 4 से मतलब 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 1 एक ही गोट ऊपर पहुंचेगी। जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, पहले न्यूमरिक गोट ही चलनी पड़ेगी अगर उसको चलने के लिए जगह है, और जब वापस आ रहे हैं तो आप लिबर्टी ले सकते हैं, मतलब फिर आपको छूट मिलेगी, चाहे तो आप नंबर वाली गोट को नीचे लाएँ और अगर ये चाहे तो आप बाहर वाली को। अब बाहर वाली चलने से क्या फ़ायदा रहेगा, मान लो कि ये बाहर वाली गोट यहाँ पे है, लेट सपोज अब मान लो 1 नहीं, मान लो 4 आ गया, फिर अब हम 4 को तो चलेंगे नहीं क्योंकि 4 तो ऑलरेडी ऊपर है, और यहाँ पे नीचे जो 5 वाली रो है 2 और 5 नीचे हैं, 2 और 5 आएंगे तभी वो 4 वाली भरी जाएगी, लेकिन इधर से 4 आ गया हमारा डाइस में, तो ये हमारी कंप्लीट हो गया एक सर्कल, 1 2 3 4। जब ये पूरा बाहर वाला सर्किल हो गया, स्टॉप को पार कर गया या स्टॉप पे आ गई गोट, ये बाहर वाली सर्किल वाली,
तो हम ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी की एक गोट को इससे भर सकते हैं, एक स्टेप मतलब कंप्लीट कर देंगे, इस रो को हम कंप्लीट कर देंगे जो हमारी खाली पड़ी हुई है ना, जिसको हम भर रहे हैं उसको भर देंगे। मान लो पांच करना है हमें, तो तीन को इधर सरका के सिक्वेंस में ही रखेंगे 1 3 4 5, तो इस तरह से हम भर देंगे जैसे ही होगा। अब मान लो ऐसा ना हो के यहाँ पे सिर्फ एक ही गोट ऊपर थी, हम जब 5 से 4 वाला भर रहे थे तो सिर्फ एक ही ऊपर चला था, मान लो लेट सपोज ये कंडीशन है, और यहाँ पे 4 आ गए 1 2 3 4, तो हमने ये नहीं, तब तो हमें 4 ये भरना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 6 आ गए तो अब हमें 6 चलना है 1 2, इसे चल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 6 नीचे रह गई, तो इसे तो भूल ही जाओ जो नीचे रह गई, क्योंकि 6 से हमने 5 वाली भर दी, 5 वाली रो कंप्लीट कर दी। फिर 5 से हम 4 को भरेंगे, 4 से 3 2 1, इस तरह से भरेंगे, तो एक गोट हर बार नीचे रह जाएगी, उसको हम भूल जाएंगे, उसको नहीं चलना है। अब हमें फोकस ये करना है कि हमें 5 से 4 वाली भरनी है, ना कि 6 से ऊपर वाली रो भरनी है। तो अब क्या है, मान लो 6 आ गया, तो उसने करा 1 2 3 4 5 6, मान लो यहाँ आ गया 6, अब ये कंप्लीट हो गया स्टॉप को पार करके, तो अब हम अपनी मर्जी की गोटों से इसे भर सकते हैं, ऐसे अपनी मर्जी की 3 गोट हमने ऊपर पहुंचा दी, जितनी भी खाली रहेंगी, मान लो 2 ऊपर थी, मान लो 2 तो भरी हुई थी खाने और 2 हमें भरने थे, और ये इधर से स्टॉप को पार कर गई, स्टॉप वाले उसको मान लो यहाँ था और 6 आ गया 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पहुँच गया। तो अब हम क्या करेंगे, 2 गोट अपनी मर्जी की, चाहो तो 5 और 4 को रख लो, चाहे तो 3 और 4 को रख लो, वो पूरी रो हम कंप्लीट कर देंगे। जैसी बाहर वाले गोट का चलने का क्या फ़ायदा है, जब एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, जब स्टॉप पे आ जाएगा तो क्या होगा, तो फिर हम एक रो को फुल कर देंगे, जिस रो को हम भरने जा रहे हैं ना, मान लो 4 से 3 को भरने जा रहे हैं और बाहर वाली गोट ने एक पूरा कंप्लीट कर लिया अपना सर्कल, तो हम कोई सी मर्जी की 3 रख सकते हैं, कोई सी मर्जी की अपनी 3 गोटी ऊपर रख सकते हैं। फिर जब ऐसी करके मान लो अब 2 3 मान लो यहाँ आ गए, और फिर एक ऊपर पहुँच गई गोट, एक ऊपर पहुँचेगी, अब फिर हमें क्या करना है, फिर हमें यही रिवर्स में करना है। अब हम 2 वाली रो से मतलब 1 से 2 वाली रो को भरेंगे, अब ये ट्राइंगल वाली गोट तभी नीचे आएगी जब 2 आएगा, जब 2 आएगा ना, जब 2 आएगा तभी ये नीचे आएगी। मान लो 2 आ गया तो ये यहाँ आ गया, अब ये जो 2 से हमें 3 वाली रो भरनी है, यानी 2 वाली रो पे तो बैठे हुए हैं 2 और 3, यहाँ पे 1, तो इसे हम तभी भर पाएंगे जब 2 और 3 आएगा, और इसके अलावा बाकी जो आते रहेंगे उनसे आउटर सर्कल वाली गोट चलती रहेगी। और जब वो एक स्टेप अगर कंप्लीट कर लेती है, ऐसे चलते चलते स्टॉप तक आ जाती है, स्टॉप को पार कर देती है, तो हम इसको अपनी मर्जी, ये तो अपना दोनों नीचे रख देंगे, हम उसे कंप्लीट कर देंगे, जिसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं ना, उसको हम उस रो को हम कंप्लीट कर सकते हैं, जब बाहर वाली गोट एक अपना चक्कर पूरा कर लेगी, अपना सर्कल पूरा कर लेगी। बस यही गेम है, जो सबसे पहले नीचे ले आएगा, फिर इससे जाएगा 3 से 2 को भरेंगे, 4 वाली को भरेंगे, और फिर 4 से 5 वाली को भरेंगे, अब इस 5 वाली से 6 वाली को भरेंगे। मान लो ये कंडीशन आ गई 4 और 5, ये हम ऑलरेडी ला चुके हैं, मान लो अब मान लो आया 5, तो 5 को हम नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर हमारी छूट रहेगी नीचे आते वक्त, मान लो ये यहाँ आए तो 5 आ गया, तो हमें ये मैंडेटरी नहीं है कि 5 को नीचे लाएं। अब क्या करेगा प्लेयर, वो इसे चलेगा 1 2 3 4 5, तो स्टॉप पार कर गई, तो ये रो हम पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, जिसको हम भर रहे हैं, तो ये भर रहे हैं ना 5 से अब 6 वाली भर रहे हैं, तो इसे पूरी कंप्लीट कर देंगे, और जो इस तरह से बेस पे वापस ले आएगा वही प्लेयर विनर हो जाएगा।